जी किसान आंदोलन को 6 महीने से भी ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन सरकार अभी तक हठधर्मी पे अड़ी हुई है और उस हठधर्मी का जो नतीजा है वास्तविकता तो ये है कि उन्होंने ये सोच के आंदोलन को लंबा किया इसके शायद किसान आंदोलन टूट जाएगा, लेकिन वास्तविकता ये है कि बीजेपी टूट गई है। आप देखें जो बीजेपी का ग्राफ 6 महीने पहले था वो आज नहीं बचा है, और 30 तारीख को जो प्रधानमंत्री जी बोले हैं मन की बात में, उसमें मन की बात में जितने लाइक आए हैं उससे 7 गुना डिसलाइक आए हैं, यानी जितने लोगों ने पसंद किया उससे 7 गुना लोगों ने उनको नापसंद किया है। तो अब जो है बीजेपी की और मोदी की हालत ये हो गई है कि 80 साल की बुढ़िया भी अगर टेलीविजन पर उनकी फ़ोटो देखती है तो गालियाँ निकालनी शुरू कर देती है। तो ऐसे में कब तक किसान बैठे रहेंगे जी? जब तक बात नहीं मानी जाएगी तब तक बैठे रहेंगे, उसमें टाइम कितना भी लगे। जिस तरह से कोरोना महामारी फैली है लेकिन उसको लेके कहीं ना कहीं जैसे भीड़ इकट्ठा होती है किसान आंदोलन के अंदर, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? ये आप ये देखिए कि भीड़ इकट्ठी होने से किसानों के जहां धरने हैं उनसे कहीं कोरोना नहीं फैला, 1% कहीं नहीं फैला। कोरोना सरकार की नाकामी है, 1 साल से ज़्यादा कोरोना को हो गया, अभी तक इनके पास ऑक्सीजन पूरी नहीं हुई, अभी तक इनके पास बेड पूरे नहीं हुए, अभी तक इनके पास उसकी दवाई उसके टीके पूरे नहीं हुए। यहाँ तक है कि मतलब ऐसा आज तक शायद किसी ने भी, जो 100 साल के लोग हो गए उन्होंने भी ऐसा टाइम नहीं देखा होगा जब मुर्दे को फूकने के भी 12,000 रुपये लगते हों। तो एक ये सरकार है जिसमें मुर्दा फूकने के पैसे लगते हैं। तो 5 तारीख को पूरे देश के अंदर बीजेपी और उसके सहयोगी जो दल हैं उनके नेताओं के घरों के आगे तीनों काले कानूनों की कापियां जलाई जाएंगी और रोष प्रकट किया जाएगा, क्योंकि वो हमारे नीतिकार हैं, उन्होंने देश को बर्बाद करने की नीतियां बनाई है, किसान विरोधी नीतियां बनाई हैं, उसकी प्रतियां उनके आगे जलाई जाएंगी। किसान तपस्या में बैठे आज आप आ जाएंगे तो क्या कहना? हाँ, आज उजाना में जा रहे हैं, किसान तपस्या में बैठे हैं, वो परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं, उससे लिव जोड़ रहे हैं कि इस मोदी को सद्बुद्धि दे और मोदी जो है वो किसानों की बात माने, एक तपस्या वो कर रहे हैं, तो आज वहाँ पे जा रहे हैं। सर, किसान बीरपुर के किसानों को भी सरकार ने उठाया गया तो क्या जी? बीरपुर से किसान को उठाया गया सरकार ने, वीडियो वायरल होने के देखिए, उसके लिए हमारे पालवा जी हैं, ये उसके बारे ज़्यादा बता सकते हैं क्योंकि ये मौके पर थे, उस दिन हमारे जिला प्रधान हैं आज़ाद पालवा जी, ये मौके पर थे और बता रहे थे कि उस दिन कोई सहमति बनी थी। सहमति बन गई पूरे स्वरूप किसान।